किरण सिंह, खुशबू और बीडू तीनों मिलकर रोशन रोही को पहले से ही प्लानिंग कर ली थी कि इसको भेज देना है, उसका फॉर्चूनर और जमीन सब बेचवा देना है। यहाँ उन्होंने जिक्र भी किया कि जब तक नहीं 1 करोड़ लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। 1 करोड़ में इन लोग का डील हुआ है, जैसा कि समीर भाई ने हमेशा बता रहे हैं। अच्छा। तो 1 करोड़ में डील हुआ है, तो 1 करोड़ में इनका भी तो हिस्सा होगा, 2 हिस्सा इनको भी तो मिलेगा, एक जो रहता है साथ में इनका, इनके बॉयफ्रेंड, तो 2 हिस्सा इनको मिलेगा और जो भी लोग हैं उनको सबको मिलेगा हिस्सा। इनके बॉयफ्रेंड खुशबू जी के साथ जो नहीं रहते हैं बीरू जी। अच्छा, वो उनके बॉयफ्रेंड। हाँ बिल्कुल है, पूरा पब्लिक को कैसे कहता है, वो खुद ही एक्सेप्ट करती है, हम क्या कहेंगे, खुद ही बोली है। बिल्कुल उसी के लिए वो आए थे, क्योंकि मीडिया वाले पे हाथ उठाए गए तो बहुत गलत चीज है, और आप लोग को भी इसके लिए आवाज उठाना चाहिए। हम उठा रहे क्योंकि आज उसके साथ कल आपके साथ भी हो सकता है। क्यों मारा गया वो, क्यों आप प्रूफ बनाए, बहुत सारे फोन से वीडियो डिलीट करने कीजिए। इतना बदतमीजी हुआ कि हम लोग के साथ स्कूटी का चाबी छीना गया, ये जो मोबाइल सबका था, मोबाइल वो लोग सारा मोबाइल ले लिया कि ये लोग कुछ करे ना। किसी को पप्पू कुमार, पप्पू है जो मेस चलाता है, मेस में टेंडर लिए हुए है वही। तो नमस्ते प्रणाम, मेरा नाम है राज रोशन, इस वक्त मैं अभी मौजूद हूँ महिला पुरुष कल्याण मंच। अभी हमारे साथ पूनम मैम है, साथ में गुड़िया मैम है। मैम कैसी है? अच्छी है। कैसे मैम? आइएगा। किरण सिंह यहाँ ऑफिस में क्यों पहुँची थी आपके यहाँ? वो खरीदने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ बिकने वाला कोई नहीं है। क्या चीज खरीदने के लिए आई? हम लोग को खरीदने आई थे। आप लोग खरीदने? हाँ बिल्कुल, कि आप इस मैटर से पीछे हो जाइए और 2 दिन के लिए चुप हो जाए। तो हम लोगों ने रीजन पूछा कि 2 दिन के लिए क्यों बैक हो जाए, आप रीजन बताइए ना भाई। तो जो कहिएगा वो करेंगे, तो जो कहिएगा कहने का मतलब क्या होता है आपको ही बताइए। तो हम लोग बोले कि आप हमको रीजन बता दीजिए, रीजन बताइए हम चुप हो जाएंगे, आप साक्ष्य दीजिए कि आप सही है वो गलत है। हाँ। तो इस पे वो भड़क गई, अब भड़क के यहाँ पे फिर तो बाकी का आप लोग सो देखे होंगे। हाँ। क्या हुआ था? अच्छा, मतलब उनका मेन आने का रीजन था आप लोगों से? बिल्कुल, यहाँ आने का मेन रीजन वही था, हम लोग को फंसाना। जी, इन्फॉर्मेशन हम लोग को पहले ही मिल चुकी थी कि वो आपके ऑफिस इसीलिए जा रही हैं कि आप लोग पे कुछ भी कह सकती है कि मेरे से पैसा ले ली, चाहे टेबल के नीचे से दे दिए, टेबल के ऊपर से दे दिए। 3 लोग हम लोग बात भी किए थे, लेकिन साइड में ले आके उनके साथ जो आई थी बोली आप कुछ लेकर माइनेज कर लीजिए। हम लोग अकेले आए थे कि कुछ गुंडे लोग भी लेकर आए थे? नहीं, गुंडे नहीं कहेंगे, ऊपर में लेडीज ही आई थी, लेकिन गुंडे और नीचे में थे। अच्छा, गुंडे और नीचे में थे, ऊपर वो अकेले आई थी, पर बुला रही थी कि आइए सामने आइए, फेस टू फेस आइए। फेस टू फेस? हां, फेस ही फेस पर बैठ के तो बात कर रहे थे। जब करने लगे तो किरण सिंह बात कहां कर रही थी, जब किरण सिंह बोलना स्टार्ट करती थी तो खुशबू बोलने नहीं देती थी। अच्छा, खुशबू ही स्टार्ट हो जाती थी, क्योंकि जैसे लग रहा था कि सारा मैटर खुशबू के साथ ही हुआ था, किरण सिंह के साथ कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, बात करने से तो वही लगा कि किरण सिंह पीड़ित नहीं है, खुशबू पीड़ित है। अच्छा, मतलब इसमें खुशबू जी का इसमें क्या रोल है, वो एक पत्रकार है क्या, उनको एक साइड एक सपोर्ट लेना चाहिए? तो आप लोग से मेरा सवाल है कि आप सारे मीडिया भाई सब लोग आप स्वतंत्र हैं, फिर वन साइडेड क्यों, सिर्फ किरण को ही सपोर्ट क्यों कर रही है, आखिर रीजन क्या है? अरे तो सब लोग मिली भगत है, मिली भगत है। 1 करोड़ में इन लोग का डील हुआ है, जैसा कि समीर भाई ने हमेशा बता रहे हैं। अच्छा। तो 1 करोड़ में डील हुआ है, तो 1 करोड़ में इनका भी तो हिस्सा होगा, 2 हिस्सा इनको भी तो मिलेगा, एक जो रहता है साथ में इनका, इनके बॉयफ्रेंड, तो 2 हिस्सा इनको मिलेगा और जो भी लोग हैं उनको सबको मिलेगा हिस्सा। इनके बॉयफ्रेंड खुशबू जी के साथ जो नहीं रहते हैं बीरू जी। अच्छा, वो उनके बॉयफ्रेंड? हाँ बिल्कुल है, पूरा पब्लिक को कैसे कहता है, वो खुद ही एक्सेप्ट करती है, हम क्या कहेंगे, खुद ही बोली। अच्छा। है बिल्कुल, तो वो लोग का मतलब हिस्सा है 1 करोड़ रुपया लेकर सब एक दूसरे में डिवाइड कर। साजिश है, किरण सिंह खुशबू और बीडू तीनों मिलकर रोशन रोही को पहले से ही प्लानिंग कर ली थी कि इसको भेज देना है, उसका फॉर्चूनर और जमीन सब बेचवा देना है। यहाँ उन्होंने जिक्र भी किया जी कि जब तक नहीं 1 करोड़ लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब आप लोगों को क्या लगता है रोशन रोही का पूरा करियर जो है चौपट करने पे जो है, ऐसा कैसे हो जाएगी, करियर चौपट कैसे हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है, कुछ सब दिन जेल में रहेगा, बहुत जल्द बाहर आएगा। जी बिल्कुल आएगा। सिंह के वकील तो कह रहे हैं कि नहीं बाहर नहीं आएंगे, 7 साल का उनका पैसा है ना केस। हाँ। लड़ना तो अपने क्लाइंट के फेवर में ना बोलेंगे। हाँ। अब मान लीजिए शिवनंदन भारती जी रोशन रोही का केस लड़ रहे हैं तो उसके फेवर में बोलेंगे, अब वो उनका केस लड़ तो उनके फेवर, तो वकील का काम है फेवर करना। शिवनंदन भारती तो प्रूफ दिखा रहे हैं, उनके वकील कहाँ कुछ प्रूफ दिखाते हैं, शिवनंदन जी तो पूरा प्रूफ खोल के रख दिए कि लड़की का पिछला बार जो मेडिकल हुआ था तो 19 से 20 साल पाया गया था, या सब कुछ जो भी हुआ था कैसे कैसे क्या है, ये जब 2007 में इनका डेट ऑफ बर्थ है, 2006 में ये पढ़ती थी, LKG में थी, तो कोई पेट से पढ़ा है आज तक? अब इन पेट में थी तभी से एक LKG में थी, कोई मान यू बात है, भी नया, ये ही भी बात, नया है। ही बात है ना, सबके पास ऐसा तो होता नहीं है कि पेट से कोई पढ़ता है, पेट के मतलब नहीं, होने जब के तक 4 साल एज नहीं होता है बच्चे NC में भी नहीं जाते हैं, 4 ईयर के बाद ही किसी बच्चे की एडमिशन होती है। लेकिन किरण सिंह एक नई ऐसी लड़की है कि जिनका एडमिशन 7 में पैदा हुई है, 6 में एडमिशन हुआ था। अच्छा, भी एक किरण सिंह कह रही है कि वो दोनों कोई अगर हमारे घर पे गए थे उनके यहाँ अगर पता करने, तो वो लोग फेस पे मास्क क्यों लगाए हुए थे? क्यों नहीं मास्क लगा के गए थे, अपनी सेफ्टी के लिए गए थे, ऐसा थोड़ी है कि मुंह छिपा के गए थे तो हम
मुंह ढक के गए, मुंह ढक के हम लोग ऐसे धूल गर्दा के कारण भी जाते हैं। जब आप लोग गए थे तो आप लोगों के साथ मिसबिहेव भी कोई किया सुने? नहीं, पहले पहले क्या हुआ कि पहले हम लोग लाल बाबू मार्केट गए, ठीक है, एक वहाँ पे अंकल मिले, हम फोटो दिखाए उमेश जी का, तो बोले ये उमेश जी हैं जो कि बावर्ची का काम करते हैं, उनसे बहुत सारी हमारी बातें हुई, तो बताएं कि हाँ इनकी एक बेटी पहले से ही सोशल पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है, बिगड़ी टाइप की है, बीच वाली बेटी अच्छी है और बड़ी वाली बेटी अच्छी है, इनका बेटा भी रोहित लव मैरिज शादी किया, इंटरकास्ट मैरिज किया है। फिर हम लोग वहाँ के बाद सीधे गए तापेश्वर सिंह छात्रावास, वहाँ गए गार्ड से बात किए कि यहाँ कोई उमेश जी रहते हैं क्या? बोला हाँ रहते हैं। तो बोले थोड़ा बुला दीजिए। तो क्या बात है? बोले बुला दीजिए ना। तो बोले ठीक है रुकिए। फिर एक आदमी उधर से आए, बोले ठीक है मैडम जाइए ना अंदर में रहते हैं मिल लीजिए। तो हम लोग जितने भी हम मीडिया वाले भाई लोग सब लोग अंदर गए, और हम लोग मेस में अंदर नहीं गए हैं, कैंपस वहाँ भी है, वहीं पर खड़ी थे, एक आदमी को बोले कि आप उमेश जी को बुला दीजिए जो यहाँ पर खाना बनाते हैं, वो आदमी बुला दिया। हम लोग बस कैमरा ऑन था मेरा, पहले से ऑन था, आए हम लोग क्वेश्चन किए, तो क्वेश्चन का जवाब वो ये दे रहे हैं कि हम बोले किरण सिन्हा की बेटी है क्या? तो बोलते हैं हाँ। क्या मैटर हो गया है? बोले मैटर ये है कि आपकी बेटी कहती है कि हम अनाथ हैं। तो अनाथ नहीं है वो, जब से रोशन बाबू से शादी किया तब से हम उसको बेटी मानने से इनकार कर दिया है। हाँ, उमेश प्रसाद उनके पिताजी थे, नहीं है वो जीते जी अपने इतनी क्या बोले, गंदा वर्ड भी यूज नहीं करेंगे, वो जीते जी इतनी मतलब ऐसी बेटी ना होना लायक, जीते जी अपने माँ बाप भाई बहन सबको बलि चढ़ा दिया, तो वैसी बेटियां किसी की अच्छी, जो अच्छी बेटी नहीं बन सकती अच्छी पत्नी भी नहीं। पिताजी भी तो अपनी बेटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नहीं वो तो नहीं, वो वीडियो में कह रहे हैं कि जब से वो दूसरी शादी रोशन बाबू से की है तब से हम बेटी मानने से इनकार किए हैं, क्यों मेरी बेटी नहीं है। उतने में उमेश जी बोले कि आप शादी भी लव मैरिज ही की थी ना 2017 में, ये भाग के शादी की है, ये क्या कहते हैं राजा बाजार में वो अभिषेक नाम के लड़के से। अच्छा, जो हाथ में जो फोटो, हाँ, दिख फोटो रहा है, भुलना पहनी। हाँ, उनका तीन नाम है, अभिषेक अभिजीत गोलू, तो एक ही नाम से लोग भी कंफ्यूज आएंगे जनता के, कभी बताते तो तीन नाम हुई थी मेरी। अच्छा, एक मीडिया वाले भाई पत्रकार को भी मारा गया, देखो बिहार वाले, ये तो गलत है ना, दो चैनल वाले पे हाथ उठाएगा, लेकिन एक चैनल हमको पता है देखो बिहार, उसी के लिए आए थे, उसी के लिए वो आए थे, क्योंकि मीडिया वाले पे हाथ उठाएगा तो बहुत गलत चीज है, और आप लोग को भी इसके लिए आवाज उठाना चाहिए, हम उठा रहे क्योंकि आज उसके साथ कल आपके साथ भी हो सकता। तो उन लोगों को क्यों मारा गया वो पत्रकार? क्यों आप प्रूफ बनाए बहुत सारे फोन से, वीडियो डिलीट करने के लिए कीजिए, इतना बदतमीजी हुआ कि हम लोग के साथ स्कूटी का चाबी छीना गया, ये जो मोबाइल सबका था मोबाइल, वो लोग सारा मोबाइल ले लिया कि लोग कुछ करे ना। किसी को पप्पू कुमार, पप्पू है जो मेस चलाता है, मेस में टेंडर लिए हुए है, वही वही लोग आपका मोबाइल गाड़ी का चाबी ले लिया ना जी। भाई चाबी छीना तो जो मेरे उंगली में निशान भी होगा, देख लीजिए। अच्छा, हाँ, दिख रहा है कैमरे को जूम करके देख लीजिए, चाबी छीन लिया था और बोला कि जब तक आप अकेले पार्क में आके नहीं मिलेंगी आप दोनों मैडम, तब तक आपको चाबी नहीं देंगे। उतने में 112 की गाड़ी आती है और 112 की गाड़ी से एक फोन, दो चाबी, मेरा चाबी और एक और मीडिया वाले की चाबी और एक मोबाइल, मेरा फोन, इनका चैन और एक जो देखो बिहार चैनल वाले उनका मोबाइल अभी तक वापस नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? देखो बिहार वाले चैनल का मोबाइल वापस नहीं, वो भी दो फोन था, नहीं बाकी सबका हो गया था, मेरा और उसका फोन है, इनका चैन अभी तक नहीं मिला है, एक मीडिया वाले की गाड़ी की चाबी भी नहीं दी गई है। आपका चैन नहीं, मैडम चैन पहनी हुई थी। अच्छा, इनका चैन नहीं, सोना का चैन था। हाँ, सोना का चैन था, मेरा फोन ले लिया। हाँ, मेरा फोन था जिसमें कर रहा था ना, उसमें अब लिया कि टूटा क्या हुआ वो जाने। किरण सिंह का जो भाई है उनका ने 10 मिनट में खेल हुआ, वो हमको अंदर से मेज से 10 मिनट का टाइम दिया गया कि मैडम 10 मिनट वेट कीजिए बाहर, हम लोग बाहर कैंपस में ही वेट कर रहे थे, 10 मिनट में सारा षड्यंत्र रचा गया। तो हम इसको कैसे नहीं गुंडागर्दी कहे, काहे नहीं कहे कि साजिश है, बताइए आप, हम आपको बोलेंगे भाई सब जाइए 10 मिनट बाहर वेट कीजिए, अब 10 मिनट बाद आपके साथ बदतमीजी होती है, मारपीट होती है, उसको क्या कहिएगा? सही बात है। इस सच्चाई को छुपाने का कार्य किया गया है, इस पे हम लोग भी, उसका भाई बोला था कि जब किरण सिंह बोल रही है कि उसके माँ बाप नहीं है तो आप लोग नहीं लाइए, अब नहीं लाना है क्योंकि सबको बोल दी है कि पति भी नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, पूरा मतलब अनाथ है, ये बेशर्मी जो है पूरा सपोर्ट है, ठीक है, बेशर्मी की हद पार कर चुकी है, पूरे सपोर्ट में, उनके पूरे सपोर्ट में थे तभी तो हुआ, अगर सपोर्ट में नहीं होते ना तो सामने आके बोलते कि हाँ हम उसकी फैमिली भाई बहन सब लोग हैं, क्यों नहीं सामने आके बोले? हम लोग इस शादी की है गलत की है इसलिए हम लोग साथ नहीं दे रहे हैं, ये बोल सकते थे ना, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। हमारे वीडियो
सब मिले हुए हैं। हम क्लिप आपको दे देंगे, आप उसमें सुनिए कि साफ साफ कह रहे हैं कि रोशन बाबू से शादी कर ली है किरण, इसलिए हम हाँ सुने हैं। और उनका नाम देखिए, किरण, छोटी, खुशबू, तीन उनका भी नाम है और तीन उनके पहले वाले हस्बैंड का भी नाम है। अच्छा, तीन तीन। अच्छा, वीडियो ज्यादा देर का था नहीं, वीडियो क्यों कट हो गया? वीडियो बंद करवा दिया गया था, कट नहीं हुआ था। मारा पीटी ना कर रहा था जी, मारा पीटी कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था, तो अपने आप ना कट हो गया, कैसे तो बच गया, नहीं तो और वीडियो तो पूरा वीडियो जो बना हुआ था सब डिलीट ने करवाया। अच्छा, उनके साथ ये गलत हुआ, इसके ऊपर कुछ एक्शन वगैरह लिए हैं? हाँ, सना डाल दिए हम, हो गया है, हो गया है। हाँ, अच्छा चलिए, हम लोग अब मतलब जाते जाते क्या कुछ कहना चाहते हैं किरण सिंह को, ये बताइए। किरण सिंह को ये कहना चाहते हैं कि आप पति को भेज के जो रील्स बना रही हैं और खुद को कह रही हैं कि हम पीड़ित हैं, तो पीड़ित लड़कियां पीड़ित दिखती हैं। अगर आपके साथ सच में गलत हुआ होता ना, तो हम लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन आप गलत की हैं इसलिए हम लोग आपके खिलाफ हैं। जाते जाते क्या कहना चाहिए? हम यही बोलना चाहेंगे कि आप जो कर रही हैं बिल्कुल गलत है, अगर आपको उसके साथ नहीं रहना है तो आप प्यार से अलग हो जाइए। हाँ। और अगर उससे कभी भी प्यार की होंगी तो आप अलग हो जाइए। प्यार कहाँ की थी, प्यार कहाँ है, किसी पे नहीं लगाइए भाई। हाँ। आपकी मर्जी के बिना कोई छू नहीं सकता है। तो आप बोल रही हैं कि हम वो फुसला के बहला के शादी करा, तो आपसे बहुत लोग अभी बोलेंगे कि हम शादी करेंगे, हमारे साथ रिलेशन बनाओ, तो कितने के साथ आप बनाइएगा? चलिए, आपका अपना क्या राय विचार है भैया जी, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।